किसी भी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद माता पिता को लाभ भी होता है, परंतु इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं रह जाता है। साथ ही साथ यदि द्वादश भाव में बैठे शुक्र पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गमन भी कर सकता है।